जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल कन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का कंटेंट मेरा एक है कि बहुत लोगों को आदिवासी पता ही नहीं है, ट्राइबल लोग पता ही नहीं है। सिर्फ उनको ये ट्राइबल लोग अगर बोल दिए तो नज़रों के सामने सिर्फ उनका डांस आता है। ट्राइबल लोगों के कुछ वीडियोज़ आते हैं जो वीडियो यूट्यूब में या अदर सोशल मीडिया में गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। आदिवासी लोगों को जो मेरी चैनल देखते हैं उनको धीरे धीरे तो पता चल रहा है, लेकिन जो युवक अभी कह रहे हैं कि मैं आदिवासी हूँ, तो युवक को उनके सिद्धांत, उनकी विचारधारा पता होना बहुत ज़रूरी है। और इस देश के सभी आदिवासी लोगों के लिए आज का वीडियो बन रहा है, और आज के वीडियो में आपको यही समझाया जाएगा कि आदिवासी किन सिद्धांतों पर काम करते हैं, आदिवासी लोग किस विचारधारा पर काम करते हैं, आदिवासी लोग इन सबसे अलग क्यों है। ऐसे अनगिनत जो आपके प्रश्न हैं, उस प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए आप उसे पूरा देखना है, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आपको एक असल में पता चल जाएगा कि आदिवासी इस शब्द, ट्राइबल, इंडिजिनियस पीपल, जो भी नाम आते हैं, जनजाति कहा जाता है, इस शब्द के पीछे रहने वाले समुदाय आखिर में कौन से समुदाय है। जी हाँ दोस्तों, और आज का वीडियो इसलिए सभी के लिए परिपूर्ण है, और सभी जो आदिवासी है वो भी देखे, और जो आदिवासी नहीं है वो भी देखे। दोस्तों, अब जानते हैं इस समुदाय के बारे में। यह समुदाय अफ्रीका के महाद्वीप अंगोला, कांगो तथा युगांडा में आज भी जीवित है, जिसे निग्रो कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, निग्रो जो जमाती है वो सबसे आदिम जमाती है, और इस जमाती का उगम स्थान भी भारत है, और भारत में इस जनजाति को प्रोटो द्रविड़ियन नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में रहने वाली जो भी जनजातियाँ हैं उनको प्रोटो द्रविड़ियन नाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे जनजाति है। मैं आपको बता दूँ कि भारत में 700 से अधिक जातियाँ आदिवासियों में है, और वो सभी जनजातियों के अलग त्यौहार, अलग संस्कृति, अलग परंपरा और एक अपना अलग वजूद वो लोग बनाए बैठे हैं। लेकिन फिर भी इन सभी लोगों के दिल में एक सवाल तो है, जो सवाल ये है कि इंडिया के सरकारी दफ्तरों में आदिवासियों का कोई धर्म संप्रदाय क्यों रजिस्टर नहीं है। ये सवाल उतना ही बड़ा है, जो पढ़ता है उसको ये सवाल आता ही आता है। वो कहता है कि यहाँ के जनजाति का अस्तित्व सरकारी दफ्तरों में क्यों नहीं है। इसके पीछे भी बहुत कारण है दोस्तों, ये कारण हम जानते हैं। पहला कारण ये है कि भारत के जो आदिम संस्कृति, आदिम कल्चर वाले इंडिजिनस लोग हैं, जिसे प्रोटो द्रविडियन कहा जाता है, उन लोगों को किसी पाखंड के मार्फत उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश यहाँ पे हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे कौम, बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमते घूमते इंडिया में आए। जब यहाँ पे कोई नहीं था तब यहाँ का प्रोटो द्रविडियन यानी मूलवंशी आदमी था। जब यहाँ पे कोई लोग आए तो उदाहरण के तौर पर आपको बता दूँ कि देवों का संग्राम और असुर संग्राम बताया जाता है। उस संग्राम में असुर, दैत्य, पिशाच, ये सभी बातें मूल निवासी लोगों के लिए टारगेट की गई है, यानी एक अपने एंगल से इन लोगों को देखने का चश्मा लगाया गया है, नज़रिया बनाया गया है। और यही भी एक कारण है कि मूल निवासी लोगों का वजूद आज मिटने के कगार पर है। जो आदिम संस्कृति है, आदिवासी लोग हैं, उनमें अगर हम बात करें कुछ साल पहले की, छल कपट उनमें कभी नहीं था। वो समुदाय में छल कपट कभी किया ही नहीं जाता था। आपको अगर उदाहरण के तौर पर बता दूँ कि एक कबीले की एक पंचायत होती थी, समझ लीजिएगा एक कबीला है, वो कबीले से रहते थे, तो कबीले में एक पंचायत होती थी। कोई भी ऐसा गैर काम करे उसको पंचायत में खड़ा किया जाता था, उसको सजा दी जाती थी। छल कपट वाली दुनिया जब बाहर के लोग यहाँ पे आने लगे, तभी से यहाँ पे छल कपट आने लगा। और आज अगर जनजाति में छल कपट वाले लक्षण आपको दिखते हैं तो बाहरी संस्कृतियों के कारण हमें अभी समुदाय में भी यह लक्षण नज़र आने लगे हैं। आपको एक और बात बता दूँ, इन लोगों की एक स्पेशलिटी है, वो ये है कि वो मूर्ति पूजक नहीं है, वो शक्ति पूजक है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार दोहराता हूँ, वो मूर्ति पूजक नहीं तो शक्ति पूजक माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मूर्ति पूजा करते हैं वो संप्रदाय में आदिवासी कौम नहीं आती है, वो शक्ति को मानते हैं। और अगर आप आज के दौर में ईश्वर को पाने का जो मार्ग है, वो मार्ग ईश्वर तो उनके शब्द में नहीं है, लेकिन ईश्वर का जो मार्ग है वो भी इनके शब्द में बिल्कुल नहीं है। और हमें ये भी बात हमें बहुत ज़ोरों से दिखती है कि आदिवासी के समानतावाद, आदिवासी की जो कल्चर है वो समानतावाद पे डिपेंड है, और इस समानतावाद से
अनेक धर्म अनेक संप्रदाय भी बने हैं, जिन संप्रदायों ने आदिवासियों के नियम मूल्यों का भी वहाँ पे जिक्र किया है और आदिवासियों के नियम मूल्यों को लेकर बहुत ऐसे संप्रदाय आज दुनिया में बने हैं। दोस्तों आगे हम जानते हैं इस समुदाय की विचारधारा क्या है, क्योंकि जब तक आप विचारधारा को समझेंगे नहीं तब तक यहाँ के आदिवासी लोगों को समझ नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी विचारधारा में एक है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि परम शक्ति को सर्वोच्च शक्ति को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने आदिवासियों के पास गया हूँ मैं, वहाँ पे उनको पूछा है कि आप परमेश्वर भगवान इस नाम को क्यों झुठला देते हो, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर भगवान ये सिर्फ मूर्तियों के लिए या किसी ताकत के लिए द्योतक हो सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च शक्ति के लिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनका कहना है कि जिस परमेश्वर ने, जिस सर्वोच्च शक्ति ने इस सृष्टि को बनाया है, वो किसी आकार में आ ही नहीं सकता। और यह एक विचारधारा आदिवासियों के सभी जनजातियों में हमें दिखती है। दोस्तों दूसरा एक उद्देश्य ये है कि आदिवासियों में उनके नाम, सरनेम, गोत्र और उनकी जो जातियाँ हैं, उनके जो विविध परंपराएं हैं, ये सभी सृष्टि के अनेक घटकों पे डिपेंड है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारत के गोंड जनजाति में उनके नाम और सरनेम जो भी आते हैं, उनके गोत्र आते हैं, सभी में किसी पक्षी का, किसी प्राणी का, किसी कीटक का, इस किसी पेड़ का, यानी सृष्टि के सभी घटक का जिक्र किया होता है। किसी के सरनेम से किसी पक्षी का नाम निकलता है तो किसी के सरनेम से किसी पेड़ का नाम निकलता है, यानी आदिवासी समुदाय आज भी इन सभी घटकों का पालन करता है। दोस्तों आपने बहुत ग्रंथ पढ़े होंगे और उस ग्रंथों में बहुत पारायण और बहुत कुछ अध्यात्म पढ़ा होगा, लेकिन ये जो अध्यात्म में बताया जाता है, जिसकी बात पंच महाभूतों की होती है, जो पंच महाभूतों की बात करते हैं और बहुत कहते हैं कि हम बहुत बड़ा अध्यात्म जानते हैं, वो हालात दरअसल कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि पंच महाभूतों को आदिवासी संस्कृति में भी बहुत बड़ा स्थान है। जैसे कि आइंस्टाइन ने बताया है, उसका लॉ बताया है कि जीव कैसे उत्पन्न होता है, वो ही हजारों सालों से आदिवासी उसी मैटर को पूजते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें आदिवासियों में गोंड जनजाति की, तो उस जनजाति में आज भी स्त्रीलिंग और पुलिंग को पूजा जाता है, यानी स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति को पूजा जाता है, प्लस माइनस को पूजा जाता है, इस सृष्टि के मेन कंटेंट को पूजा जाता है। पंच महाभूतों की बात करें तो हमें बहुत सारे जनजातियों में इसका उदाहरण मिलता है। जैसे कि गोंड समुदाय में यहाँ पे पंच महाभूतों की अगर बात हो तो पंच महाभूतों में येर, तोड़ी, अद्दी, वड़ी, पोकड़ी, इस बात को ध्यान देते हैं कि हजारों सालों से पंच महाभूतों को, भूतों के ओरिजिनल अवतार को आदिवासी इंसान पूजता आया है, और ऐसे ही नाम बदल के भिन्न भिन्न जनजातियों में भी इसका अस्तित्व हमें मिलता है। प्रकृति में आने वाले सभी घटकों को पूजना, प्रकृति में आने वाले सभी घटकों को, वो प्राणी रहे, वो पेड़ रहे, वो पौधा रहे, वो पक्षी रहे, ये सभी घटक सृष्टि में आते हैं, तो इनको पूजना आदिवासियों का सबसे बड़ा परम कर्तव्य माना जाता है। आदिवासियों में माता पिता को भी बहुत बड़ा उच्च स्थान दिया जाता है। उनमें एक कहावत है कि अपनी माता पिता की सेवा, यानी परम सृष्टि की और सर्वोच्च शक्ति की सेवा, इतना बड़ा स्थान अपने माता पिता को भी दिया जाता है। बाकी के संप्रदाय में स्त्रियों को उतना महत्व नहीं है जितना महत्व आदिवासी संस्कृति में दिया जाता है। आदिवासी संस्कृति में स्त्री को एक उगम स्थान के तौर पर देखा जाता है, उसे मातृशक्ति कहा जाता है और उसी से संसार की उत्पत्ति होती है, इसलिए मातृशक्ति को पुरुष शक्ति से भी ज़्यादा आदिवासियों में पूजा जाता है। दोस्तों हम चलते हैं, आदिवासी लोग जो होते हैं, आदिवासी जो कौम है, जनजाति है, इनके सिद्धांत क्या है। दोस्तों आदिवासियों के नज़र के बारे में अगर आपको जानना है, उसके सिद्धांतों के बारे में जानना है, तो ये भी जानना पड़ेगा कि सृष्टि एक निर्विवाद सत्य है। ये जो सृष्टि है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, सभी कुछ जो बातें हैं वो यहाँ के सृष्टि के घटक हैं। सृष्टि के इन सभी घटकों को आदिवासियों में पूजा जाता है। वे कहते हैं कि सृष्टि जो है निर्विवाद सत्य है, वो भूत में थी, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी। और इसके लिए आदिवासी अपने सिद्धांत लगाते हैं। वो सिद्धांत ये है कि प्राणी और मनुष्य में यही एक फर्क है कि इंसान को सर्वोच्च शक्ति ने बुद्धि दी है, और इस बुद्धि का यूज़ करके इंसान इस सृष्टि का अगर कल्याण कर सकता है, इन सभी घटकों को अगर, इस सभी घटकों की रक्षा कर सकता है, तो वो उसका परम कर्तव्य है। यह आदिवासी का पहला सिद्धांत है। उनके सिद्धांतों में एक बात और आती है कि जहाँ विकास हो रहा है वहाँ विनाश भी संभव है। जी हाँ दोस्तों, आदिवासी लोग ये जानते हैं कि विकास हो रहा है तो विनाश भी संभव है। जन्म
जैसे एक बहुत पवित्र बात है, वैसे ही मृत्यु और एक पवित्र बात है, क्योंकि पंच महाभूतों को मानने वाले समुदाय को ये पता है कि जब कोई जन्म लेता है तो उसको मरना भी पड़ता है, यानी पंच महाभूतों से जो आता है उसका पंच महाभूतों में विघटन होना भी जरूरत है। मैंने एक आदिवासी आदमी को पूछा था कि अगर ये जन्म और मृत्यु की आप बात करते हो तो अगर कोई मरे ही नहीं तो वो उन्होंने कहा कि सृष्टि का काल चक्र वहीं पे थम जाएगा। दोस्तों, अगर आदिवासियों के सिद्धांतों में आंतरिक गुण की हम बात करें तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आदिवासियों की कल्चर तो बहुत बड़ा था लेकिन उनका जो उनकी फिलॉसफी थी वो बहुत गलत थी, बहुत अलग थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी आदमी को अगर महापुरुष यानी अच्छे रास्ते पे चलना है तो उसको उसके समाज कुछ ना कुछ वैचारिक तत्व देते हैं, वैचारिक गुण कहते हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही गुण हमें भील, संथाल, गोंड, उराव ऐसे अलग अलग जनजातियों में हमें दिखते हैं और वो अपने अपनी विचारधारा में चलते हैं, लेकिन फिर भी सभी के गुण यहाँ पे वही रास्ता दिखाते हैं जो रास्ता हम एक कॉमन आदमी यहाँ पे देखना चाहता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूँ कि गोंड जनजाति में तीन विचारधाराओं को बहुत बड़ी पैमाने पर माना है, जिससे शंभू सेक ने दिया है मुंद शूल सर्री। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए यह तीन मार्ग शंभू सेक ने इस आदिवासी लोगों को दिए हैं और बहुत लोग इस मुंद शूल सर्री का उपयोग भी करते हैं। आदिवासियों के सिद्धांतों में और एक बात जुड़ी जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कि सृष्टि में प्राणी एक दूसरे पर निर्भर रहता है। जी हाँ दोस्तों, आप ये तो बात जानते होंगे कि सृष्टि में प्राणी एक दूसरे पर निर्भर रहता है। चूहे पे बिल्ली और बिल्ली पे अन्य कहीं, चूहे पे सांप रहता है, सांपों पे अन्य कहीं, ऐसे प्राणियों पे प्राणी निर्भर रहता है। और फिर इन लोगों में संघर्ष तो होते रहता है। आदिवासी इंसान इस बात को तो हमेशा मानता है कि अगर जीवन जीना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये बात भी उसने सृष्टि से सीखी है कि सृष्टि में हर प्राणी अपने जीवन में संघर्ष करता है और इस संघर्ष में एक दूसरे पे निर्भर तो रहता है। कोई किसी की शिकार करता है तो कोई किसी की शिकार करने के लिए ना करने के लिए दौड़ता है। ये सभी अपने अपने बातों की, अपने अपने जीवन की एक कहानी है। लेकिन आदिवासी समुदाय ये कहता है कि सृष्टि पे तो सभी निर्भर है, एक दूसरे पे निर्भर रहना नेचर है, इसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन फिर भी इन सभी में सामंतावाद और शांतवाद फैलाना यानी समानता का वाद फैलाना आदिवासियों को आवश्यक है। ये इनके कर्तव्यों में ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य माना जाता है। दोस्तों, आदिवासी संस्कृति जिस विचारधारा पे खड़ी है वो विचारधारा अगर आप जान लेते हैं तो फिर आपको आदिवासी संस्कृति समझने में बहुत सरलता प्राप्त होगी। और यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि आपको हमेशा समझाया जाए कि आदिवासियों के सिद्धांत क्या होते हैं, आदिवासियों की विचारधारा क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे तत्वों की तो पहला तत्व है, पहला सिद्धांत है समाज। जी हाँ दोस्तों, विचारधारा में पहला उनका कर्तव्य बनता है वो है समाज। समाज जो कि आपको संस्कार देता है, समाज जो कि आपको पुरखाओं का इतिहास समझाता है, समाज जो कि आपको अच्छे नागरिक बनाता है, अच्छा एक सगा बनाता है, इसलिए समाज को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है आदिवासियों में। दूसरी बात दोस्तों, पुरखाओं को पूजने की जो प्रथा है वो सभी आदिवासियों में हमें दिखती है। पुरखा याने कौन? पुरखा याने उनका अनुभव, एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, जो पुरखाएँ उनके होते हैं, नाना चाचा, उनको पूजा स्थल में पूजा जाता है और जो वरिष्ठ होते हैं, जो जिंदा है, उनको भी बहुत बड़ी पैमाने पे स्थान दिया जाता है, मान दिया जाता है, उनको बहुत मानते हैं। इसका अर्थ यही है कि पुरखाओं के पास जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो ज्ञान है, उसको ज्ञान को लेना है और आगे आने वाली जनरेशन को देना है, इसके लिए पुरखाओं को भी बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्तव्यों में उपासना स्थल सभी जनजाति लोगों का होता है। जी हाँ दोस्तों, अब खुद का और अपने कौम का उनका एक उपासना स्थल होता है, उस उपासना स्थल में सर्वोच्च यानी परम शक्ति की पूजा की जाती है, उस शक्ति को माना जाता है जिस शक्ति को इस नेचर को जिस शक्ति ने इस नेचर को और इस सृष्टि को बनाया है। आदिवासी समुदाय में चौथा सिद्धांत यह है कि उनका अलिखित नियम कानून। जी हाँ दोस्तों, आपने डिस्कवरी पे या यूट्यूब पे ऐसे अन्य कई वीडियो देखे होंगे जहाँ पे ट्राइबल ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लोगों को ऐसा बताने में बहुत खुशी आती है, लेकिन उनके जो ओरिजिनल सिद्धांत है वो कोई नहीं बताता। दोस्तों, उनके जो अलिखित नियम है उस नियमों का वो पालन हमेशा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सभी पे, उनके सभी समुदाय के लोगों पे लागू होता है कि समाज के जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी रीति परंपराएं हैं, उसको फॉलो किया जाए। जैसे कि आप
महाराष्ट्र के अगर मध्य प्रदेश के किसी भी जनजाति के पास जाएंगे तो उनके एक उसूल होते हैं, उनके टोटेम होते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। वो नियम अलिखित होने के बावजूद भी, लिखित ना होने के बावजूद भी, वो लोग, वो समुदाय आज भी इसको फॉलो करता है। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि ट्राइबल लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शिकार होती है, बहुत ट्राइबल लोग जंगल में जाके सिर्फ शिकार करते हैं, और यही नज़रिया ट्राइबल लोगों को बदनाम करता है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा से, हज़ारों सालों से जंगलों में रहने वाला आदमी शिकार तो करता है, यह स्वाभाविक है अपने पेट के लिए। आपने ये भी किताब में पढ़ा होगा कि कंदमूल से लेकर मांस को खाकर यहाँ पे जीवन गुजारा हुआ है, इसमें पहला नंबर आता है प्रोटो द्रविड़ियन यानी आदिवासी लोगों का। तो शिकार करना कितना उचित है ये मैं आपको बता दूँ। आदिवासियों में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसको कहा जाता है मुंजोक सिद्धांत, जिसको हिंदी में कहा जाता है अहिंसा सिद्धांत। वो हमें, जब हमने स्टडी की तब सभी जनजातियों में यह सिद्धांत हमें देखने को मिला, और यह सिद्धांत के नाम अलग हो सभी जनजातियों में, फिर भी इसकी विचारधारा हमें एक दिखाई दी है, वो है अहिंसा सिद्धांत यानी मुंजोक सिद्धांत। इसमें कहा जाता है कि आदिवासी लोगों को यह सिद्धांत बताया गया है उनके पुरखाओं की तरफ से। यह सिद्धांत ये है, आपको सृष्टि से जितना चाहिए उतना ही लेना आपका कर्तव्य है। समझ रहे आप? आप किसी प्राणी को मार रहे हो, आप किसी पेड़ का औषधि उपयोग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, नदी का पानी भी ले रहे हो, फिर भी यही नियम आपको लागू होता है। वो नियम ये है, आपको जितना लगता है उतना ही आप सृष्टि से ले, जितना लगता है आप उतना ही सृष्टि को खर्च कर सकते हैं। बात नंबर दो, जो प्राणी, एक बाघ है और वो हिरण के पीछे दौड़ रहा है और कुछ टाइम में उसने हिरण को मारा और हिरण को खा लिया, ये बाघ की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, इसे हिंसा नहीं कहा जाएगा, लेकिन इंसान को इस सर्वोच्च शक्ति ने बुद्धि दी है और वो बुद्धि का इस्तेमाल इसलिए करेगा कि उसको जो लगता है निसर्ग से वो ले सकता है, लेकिन उसको जितनी मात्रा लगती है उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। यह आता है मुंजोक दर्शन, यानी इसको कहा जाता है अहिंसा दर्शन। आदिवासी विचारधारा में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। वो सभी जानते हैं कि सृष्टि से अगर हम हैं तो सृष्टि को बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें एक और बात जुड़ गई है, नृत्य, गायन और वादन। इन तीन कलाओं का आपने सभी जनजातियों में देखा होगा। जी, और भारत के सभी जनजातियों में यह परंपरा कंपलसरी है। तो ये देख के आप क्या कहोगे? अलिखित उनके नियम, अलिखित उनका इतिहास जिसको लिखा ही नहीं गया, और वो इतिहास वो अपने जनरेशन, आगे वाले जनरेशन तक कैसे पहुँचाएंगे? मैंने आपको बताया कि उनके नामों में जैसे पक्षी प्राणियों के टोटेम यानी नाम होते हैं, वैसे उनके त्योहारों के भी अलग साइंस डेफिनेशन है, और वो साइंस पे बैठते भी हैं, क्योंकि आदिवासी हमेशा विज्ञान को मानता आया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नृत्य, गान, वादन, इन तीनों में से किसी एक इतिहास को गाकर उस पे पैर डालना और नाचना, और आने वाले जनरेशन के दिमाग पे इस नृत्य गान से उस इतिहास का संस्कार करना, यह बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा मूल्य आदिवासी संस्कृतियों में पाया जाता है। और दोस्तों, इसी बहुत बड़े विचारधारा के साथ आदिवासी आज इंडिया में नहीं तो इंडिया के बाहर भी अपनी संस्कृति बचाए रखा, जिंदा है, और वह अपने अस्तित्व को खोज रहा है। दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि ये आदिवासी लोग हैं, तब आदिवासी कहने में हमें जितना टाइम लगता है ना, उतना टाइम हम कभी सोचते नहीं है कि आदिवासी असल में है क्या। आज आदिवासियों को वनवासी करके जबरदस्ती किसी दूसरे श्रेणी में बिठाया जा रहा है। आज आदिवासी को अलग तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, और आदिवासियों की ये विचारधारा साबित करती है कि इस देश के किसी भी धर्म से वो संगठित नहीं है, किसी भी धर्म से वो ताल्लुक नहीं रखते। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा कंटेंट और वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जो हमारे समुदाय में युवक है, जो अभी जान चुके हैं कि हम आदिवासी हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हमारा कल्चर क्या है, उन लोगों के लिए ये बस एक वीडियो है। इस एक वीडियो में उनको आदिवासियों के बारे में पूरी विचारधारा और संस्कृति पता चल जाएगी। गोंड, प्रधान, भिल्ल, उराव, संथाल, मुंडा और ऐसे भिल्ल यानी हलबा, ये वो सभी जो जनजातियाँ हैं, सभी जनजातियों की परंपराएं अलग है, इनकी परंपराएं थोड़ी सी भिन्न पाई जाती है, लेकिन विचारधारा सभी आदिवासियों की एक है कि ये सभी इस सृष्टि के रक्षण करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।